राजस्थान भूगोल की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के रूप में थार का मरुस्थल अरावली का अध्ययन कर चुके हैं। आज तीसरे भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान का अध्ययन करेंगे। पूर्वी मैदान जो कि मैदान नदियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी और अवसाद जमा करने से मैदानों का निर्माण होता है। अरावली के पूर्व हिस्से में पूर्वी मैदान का विस्तार है। पूर्वी मैदान को मुख्य रूप से तीन भौतिक उप प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया है। जो पूर्वी मैदान है ये राजस्थान में सर्वाधिक घना बसा हुआ और कृषि का मुख्य क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान है यह अरावली के पूर्व में स्थित है। पूर्वी मैदान का जो निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा निर्मित है। तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ। तो पूर्वी मैदान का निर्माण देखते हैं। निर्माण पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा, जो अधिकांश मैदान है वो नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। नदियों के द्वारा निर्माण हुआ है। नदियां मुख्य रूप से नवीन मिट्टी लाके जमा करती हैं, वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो ये जो क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी है जो उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पे कृषि गतिविधियां संचालित होती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कृषि हेतु उपयुक्त मिट्टी होती है, इसलिए मैदानी भागों में कृषि की जाती है और ये समतल होते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या का अधिवास अधिक होता है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ की जो जलवायु है पूर्वी मैदान की जलवायु है, यो उष्ण आर्द्र जलवायु है, उष्ण आर्द्र जलवायु है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है, वर्षा का वार्षिक औसत 65 सेंटीमीटर है। 65 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा जिसमें कि 50 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा में वेरिएशन होता है। इस प्रकार पूर्वी मैदान जो कि नदियों द्वारा निर्मित है, जलोढ़ मृदा की यहाँ बहुलता है, जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु है, यहाँ पे वर्षा है जो 65 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ के जो वनस्पति हैं पूर्वी मैदान की वनस्पतियों में, पूर्वी मैदान की वनस्पतियों में तो यहाँ पतझड़ वनस्पतियां पाई जाती हैं, पतझड़ वनस्पतियों में खेजड़ा बबूल खैर आम अमरूद ढोकड़ा आदि मुख्य हैं। इसके साथ ही पूर्वी मैदान में कई घासें भी पाई जाती हैं, जिनमें खस एक मुख्य घास है। इसके साथ ही पूर्वी मैदान का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से घास पाई जाती है, उस घास को यहाँ पे बीड़ कहा जाता है। बीड़, तो बीड़ क्या है? पूर्वी मैदान में पाई जाने वाली प्राकृतिक घास है, इसको बीड़ कहा जाता है। कुछ पूर्वी मैदान के कुछ भागों में प्राकृतिक घास पाई जाती है। जो ये प्राकृतिक घास पाई जाती है कुछ स्थानों में, उसको बीड़ कहा जाता है। तो बीड़ क्या है? पूर्वी मैदान में पाई जाने वाली प्राकृतिक घास है। इसका जो उदाहरण है मुख्य रूप से डीग में मंडेरा बीड़ है। डीग जल महलों की नगरी डीग में मंडेरा बीड़ है। इसका उदाहरण मंडेरा बीड़ है, जहां पे प्राकृतिक घास पाई जाती है, जिसे बीड़ कहा जाता है। इसके साथ ही पूर्वी मैदान का जो अब उपविभाजन देखते हैं, ये इसके बारे में हमने साधारण जानकारी देगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये 23.3 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राजस्थान के 23.3 क्षेत्रफल में इसका विस्तार है और ये 10 से भी अधिक जिलों में फैला हुआ है, जिनका हम अलग से उपविभाजन देखेंगे, तब उन जिलों का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे 39% जनसंख्या अर्थात सघन रूप से जनसंख्या है। वैसे भी मैदान अधिवास के लिए अनुकूल होते हैं, यहाँ कृषि की गतिविधियां होती है और परिवहन के साधन होते हैं, और समतल मैदान होने के कारण यहाँ जनसंख्या की बसावट अधिक है। इस मैदान में जो यहाँ की वनस्पतियां हैं, ये वनस्पतियां हैं जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्त उद्योगों के लिए उत्पाद
उपलब्ध कराती हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो सालर वन है, सालर वनस्पति है या सालर वन है, ये फर्नीचर के काम आते हैं। इसके बाद यहाँ जो खस जो घास है, खस घास, इसे इत्र और शरबत बनाए जाते हैं, इत्र और शरबत। इस प्रकार से इसका लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम इसके उपविभाजन देखते हैं। पूर्वी मैदान को मुख्य रूप से तीन उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। जो इसका उपविभाजन है वो नदियां, जो नदियां बहती हैं, जिन नदियों के द्वारा मैदान का निर्माण किया गया है, उसी के अनुरूप इनका नामकरण भी किया जाता है। तो पूर्वी मैदान को तीन भागों में बांटा जाता है, पूर्वी मैदान को तीन भागों में बांटा जाता है, पूर्वी मैदान को तीन भागों में। जो तीन भाग हैं उसमें पहला भाग है माही बेसिन, माही मैदान या माही बेसिन। यह मुख्य रूप से माही और उसकी सहायक नदियों बनास, बेड़च, सॉरी सोम, माही और जाखम और अन्य सहायक नदियों के द्वारा ये बना हुआ है, जो माही का मैदान है। माही का मैदान मुख्य रूप से जो इसका विस्तार है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के कुछ क्षेत्रों में है। इसके बाद हम दूसरा विभाजन देखते हैं। तो ये बनास और बाणगंगा का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान इसका दूसरा उपविभाजन है। तीसरा उपविभाजन देखते हैं तो चंबल बेसिन, चंबल बेसिन या चंबल का मैदान। इस प्रकार से पूर्वी मैदान को मुख्य रूप से तीन उपविभाजन किए जाते हैं, माही का मैदान, बनास गंगा का, बनास और बाणगंगा का मैदान और चंबल बेसिन। अब एक एक करके हम इन उपविभाजनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं माही का मैदान। माही का मैदान हमने देखा कि मुख्य रूप से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो देखिए माही का मैदान, माही मैदान, माही मैदान, तो इसका निर्माण निर्माण नदियों द्वारा किया गया है, निर्माण नदियों नदियों द्वारा निर्मित है। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल चिकनी मिट्टी है, लाल चिकनी मिट्टी, जिसको कि लोमी मिट्टी भी कहते हैं। तो लोमी मिट्टी, तो जो माही का मैदान है उसमें कौन सी मिट्टी मिलती है, तो लाल चिकनी या लोमी मिट्टी यहां मिलती है। इस जो मैदान का है विस्तार देखते हैं। इस मैदान का जो विस्तार है मुख्य रूप से किसमें है, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और डूंगरपुर के कुछ हिस्सों में, डूंगरपुर इनमें इसका मुख्य रूप से विस्तार है। इसके बाद, इसके विस्तार के बाद हम देखते हैं कि यहाँ इसके दूसरे उपनाम भी हैं। तो जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, इसके पास जो माही का ये बेसिन है, यहाँ पे 56 गांवों का समूह है, 56 गांवों का समूह, 56 गांवों का समूह है। 56 गांवों का समूह होने के कारण इस मैदान को 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो माही मैदान को क्या कहा जाता है, 56 का मैदान। हमने पहले राजस्थान की मुख्य पहाड़ियों के अध्ययन में 56 की पहाड़ियां देखी थी जो कि सिवाना क्षेत्र में थी, लेकिन ये 56 का मैदान है जो माही, माही मैदान को ही 56 का मैदान कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भाटी, भाटी का मैदान भी इसको कहते हैं, भाटी का मैदान या 56 का मैदान। इसके बाद इस प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में जो माही का मैदान, इसके दक्षिणी दक्षिणी हिस्से में क्या है, ये यहाँ का धरातल है, कटापटा है और गहरे गहरे खट्टे हैं, गहरी रूप से विच्छेदित है और यह अनियमित पहाड़ियां हैं, इसलिए इस क्षेत्र को वागड़ भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र को वागड़ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वागड़। जो माही का जो दक्षिणी भाग है, माही मैदान का, उसमें कटी फटी पहाड़ियां और गहरे विच्छेदित गड्ढे और पहाड़ियां होने के कारण इस क्षेत्र को वागड़ कहते हैं।
अब यहाँ जो मैदान है तो मैदान कृषि के लिए जाना जाएगा। तो यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो मक्का और चावल है। तो यह मक्का और चावल यहाँ पे उगाया जाता है। तो मक्का की जो किस्में हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो माही, कंचन, ये मक्का की प्रमुख किस्म है, माही नदी के नाम से, माही और कंचन। और दूसरी जो मुख्य किस्म है वो माही धवल। इसके बाद जो चावल है इसकी मुख्य किस्म देखते हैं, तो माही सुगंधरा। चावल की मुख्य जो किस्म है वो क्या है, माही सुगंधरा। तो माही सुगंधरा चावल की मुख्य। इसके अलावा इस मैदान में जैसे कि हम जानते हैं माही नदी है, वो सदा नीरा नदी है, हमेशा उसमें पानी रहता है, बहती रहती है। और साथ ही इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है, औसत 65 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ जलाशय हैं। तो यहाँ जलाशय हैं, वे झीलें हैं। तो इन जलाशय और झीलों में मत्स्य पालन भी किया जाता है। तो इस क्षेत्र ये क्षेत्र मत्स्य पालन का भी केंद्र है, यहाँ मुख्य रूप से कढ़ाना वाटर बैंक, जो कढ़ाना वाटर बैंक है ये डूंगरपुर में है। जो कढ़ाना वाटर बैंक कहाँ है, डूंगरपुर में, यहाँ मछली पालन किया जाता है। इसके बाद जो भीमपुरा है, भीमपुरा बांसवाड़ा में है। जो भीमपुरा बांसवाड़ा में है यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा मत्स्य बीज पालन केंद्र है, या मछली के बीजों का बीज बनाए जाते हैं, उनका पालन किया जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा द्वारा संचालित मत्स्य बीज पालन केंद्र है, जो कि कहाँ है, बांसवाड़ा के भीमपुरा में बीज पालन केंद्र। इसके साथ ही यहाँ पे बांसवाड़ा में माही नदी पर बांध बनाए गए हैं, तो माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में बोरखेड़ा के पास में बना हुआ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही माही नदी के पास में ही नापला है, यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार हमने माही का जो मैदान है उसके बारे में जाना है। यहाँ की जो मुख्य नदियां माही, सोम, जाखम है। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित यह लाल चिकनी लोमी मिट्टी, इसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ क्षेत्रों में हमने देखा। इसे छप्पन का मैदान, भाटी का मैदान भी कहते हैं। और इसके दक्षिण का जो भाग है उसे वांगड़ प्रदेश कहते हैं। वांगड़ प्रदेश इसलिए कि ये क्षेत्र है जो गहरे खड्डे हैं, विच्छेदित है, और यहाँ अनियमित पहाड़ियां हैं, इसलिए वांगड़ प्रदेश। यहाँ जो मुख्य फसलें हैं मक्का है, मक्का की जो किस्में हैं माही कंचन, माही धवल मुख्य, और जो चावल है उसका माही सुगंधरा हमने देखा। इसके बाद इस पूर्वी मैदान के इस उप विभाग में जलाशय झीलें हैं, इसलिए मछली पालन यहाँ किया जाता है। कढ़ाना वाटर बैंक डूंगरपुर में है, और भीमपुरा बांसवाड़ा में केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य बीज पालन केंद्र है। इसके बाद हमने देखा कि माही बजाज सागर बांध है, वो यही है, यहाँ बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और नापला में परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। अब हम इसके अगले उपविभाजन, पूर्वी मैदान के अगले उपविभाजन को देखते हैं। तो अगला उपविभाजन हमने देखा है बनास और बाणगंगा का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान। तो बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा यह निर्मित है, बनास बाण गंगा मैदान। जो बनास बाण गंगा मैदान है, ये बनास और उसकी सहायक नदियां खारी, मेनाल, कोठारी, मोरेल आदि। तो बनास का जो मैदान है वो खारी, मैनाल, कोठाई और मोरेल आदि नदियों से बना हुआ है। जो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, जो यहाँ की मुख्य मिट्टी है, भूरी रेतीली मिट्टी है, भूरी रेतीली मिट्टी है।
इस क्षेत्र में बजरी मिलती है जो कि निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। निर्माण कार्यों में, भवन निर्माण में काम आती है बजरी, तो बजरी का क्षेत्र है। इसके बाद जो बनास का मैदान है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो बनास मैदान को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। बनास के मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो बनास के दो मैदान के दो विभाजन हैं, वो इस प्रकार से हैं। जो उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान के रूप में इसके दो विभाजन किए गए हैं। बनास मैदान के दो विभाजन क्या हैं? तो उत्तरी मैदान जो उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तरी मैदान, और दक्षिणी मैदान जो उत्तरी मैदान है, इसको मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं, करौली का मैदान। तो जो उत्तरी मैदान, उसको क्या कहा जाता है? मालपुरा करौली का मैदान। तो दक्षिणी मैदान है, उसको मेवाड़ मैदान कहा जाता है, मेवाड़ का मैदान। जो मालपुरा करौली का मैदान है, ये मुख्य रूप से अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। जो उत्तरी मैदान है, उसको मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। यह मुख्य रूप से अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में फैला हुआ है। जो दक्षिणी मैदान है, उसको मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। मेवाड़ का मैदान है, वो राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। जो मेवाड़ का मैदान हो, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, इसको याद रखने के लिए RBC, R से राजसमंद, B से भीलवाड़ा, C से चित्तौड़गढ़। इसी प्रकार इसको A अजमेर के लिए, T टोंक के लिए, और सवाई माधोपुर के लिए, M ले ले माधोपुर के लिए। तो ATM से इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो ये उत्तरी मैदान है, ये मैदान, यहाँ पे अबरख पेटी पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे जो राजमहल है टोंक के अंदर, वहां पे गार्नेट, कीमती पत्थर भी मिलता है। इसके बाद अब हम आगे बाणगंगा का मैदान देखते हैं। जो बाणगंगा का मैदान है, वो बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है, जो कि मुख्य रूप से जयपुर, दौसा और भरतपुर में मिलता है, या भरतपुर में विस्तारित है। तो बाणगंगा का मैदान है, बाणगंगा का मैदान का विस्तार कहाँ है? तो विस्तार ये जयपुर, दौसा और भरतपुर। बाणगंगा जो कि बैराट की पहाड़ियों से निकलती हुई भरतपुर से होते हुए यमुना नदी में मिलती है। तो जयपुर, दौसा और भरतपुर में बाणगंगा मैदान। यहाँ की जो मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है। तो बाणगंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इस प्रकार से हमने बनास बाणगंगा के मैदान को देख लिया है। हमने देखा था कि जो उत्तरी मालपुरा का मैदान था, मालपुरा करौली का मैदान, इस मैदान में क्या है? अबरख मिलता है, अबरख जो कि मुख्य रूप से अजमेर क्षेत्र में मिलता है। तो जो मालपुरा करौली का मैदान है, उसमें अबरख मिलता है, अबरख अजमेर क्षेत्र में मिलता है। यहाँ जो राजमहल है, राजमहल जो स्थान है टोंक में, वहां पे गार्नेट, कीमती पत्थर मिलता है। गार्नेट कहाँ मिलता है? तो टोंक के राजमहल में, जो कि मालपुरा करौली का मैदान है, उसी के अंदर स्थित है। इसके बाद हम पूर्वी मैदान का तीसरा उपविभाजन देखते हैं, जो कि चंबल के मैदान के रूप में, या चंबल बेसिन के रूप में जाना जाता है। चंबल है, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान में भैंसरोड़गढ़ से होते हुए कोटा में प्रवेश करती है। तो चंबल बेसिन या चंबल का
मैदान चंबल में उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है यह मैदान। तो चंबल का मैदान है, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। चंबल के मैदान का विस्तार है, जो विस्तार है मुख्य रूप से कोटा, भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। धौलपुर में इसका विस्तार है। जो चंबल का मैदान है, इसका जो ढाल है, चंबल के मैदान का जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ है। उत्तर पूर्व की तरफ, ये उत्तर पूर्व दिशा बन जाएगी, ये उत्तर और ये पूर्व। ये उत्तर पूर्व की तरफ है या फिर उत्तर की तरफ है, ये दक्षिण दिशा है। तो इसका मैदान का जो भाग है, जो चंबल बेसिन है, उसका ढाल है जो उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ है। चंबल का जो मैदान है, इसमें क्या है, इस क्षेत्र में क्या, कोटा में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन होता है, इसलिए इस क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ धरातल है या बेडलैंड है। बेडलैंड टोपोग्राफी जिसे उत्पात भूमि भी कहते हैं। इसके साथ इस क्षेत्र में कटाव होने के कारण बिहड़ और जंगल भी पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में डांग क्षेत्र है, जो कि चंबल के डाकों के लिए आश्रय स्थली के रूप में हुआ करता था। तो आइए अब देखते हैं चंबल में क्या, चंबल का जो मैदान है या बेसिन है, इसमें अवनलिका अपरदन होता है। अवनलिका अपरदन सर्वाधिक होता है, अवनलिका अपरदन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। और ये जो अवनलिका अपरदन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो कोटा जिले में होता है। कोटा जिले में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन होता है। इस कारण से क्या है, कोटा में उबड़ खाबड़ या उत्पात भूमि, उत्खात, उत्खात भूमि, इसे इंग्लिश में बेडलैंड कहा जाता है, बेडलैंड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। तो इस क्षेत्र में अवनलिका अपरदन कारण उत्खात भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी का विकास सर्वाधिक इसमें है, कोटा जिले में। इसके बाद बीहड़, बीहड़ क्या है, इस क्षेत्र में कटाफटा धरातल, कटाफटा अत्यधिक कटाफटा धरातल, इससे उबड़ खाबड़ भूमि हो, अत्यधिक कटाव के कारण, कटाव के कारण ऊबड़ खाबड़ धरातल, ऊबड़ खाबड़ धरातल क्या कहलाता है, बीहड़। अत्यधिक कटाव के कारण ऊबड़ खाबड़ धरातल, धरातल बीहड़ कहलाता है। जो सर्वाधिक बीहड़ है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि, सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि है जो सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में क्या है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि है। इसके बाद अगर प्रतिशत के रूप में देखें, तो सर्वाधिक बीहड़ भूमि का प्रतिशत कहाँ है, सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रतिशत बीहड़ भूमि देखते हैं, बीहड़ भूमि का प्रतिशत देखते हैं, तो ये कहें धौलपुर में है। धौलपुर में सर्वाधिक प्रतिशत बीहड़ भूमि है, तो सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है क्षेत्रफल के रूप में। इसके बाद इस क्षेत्र की जो मुख्य शिला करती है वो डांग है। डांग, डांग क्या है, जो चंबल का मैदान है, इसमें जो भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो कटाफटा धरातल और पहाड़ियां पाई जाती हैं, उस क्षेत्र को डांग कहते हैं। ये डांग क्षेत्र चंबल के डाकों लुटेरों के लिए फेमस, के लिए उनके अनुकूलित आश्रय स्थली रहा है। तो डांग, डाकू या डांग, जो डांग है, डांग क्या है, यह मुख्य रूप से कौन जिले में है, तो ये करौली, धौलपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में, माधोपुर में छोटी कटी फटी पहाड़ियों व धरातल वाला क्षेत्र, धरातल वाला क्षेत्र डांग कहलाता है। तो चंबल नदी के बेसिन में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में छोटी छोटी कटी फटी पहाड़ियों धरातल वाला क्षेत्र डांग कहलाता है। इस डांग क्षेत्र में, डांग क्षेत्र में चंबल के लुटेरे,
लुटेरे या डाकू आश्रय लेते थे और उनकी शरणगाह बना हुआ, उनकी वह सुरक्षित शरणगाह थी। इस प्रकार हमने देखा जो चंबल का मैदान है उसके मुख्य कलाकृतियों के बारे में देखा, कौन से जिलों में ये विस्तारित था ये देखा। इसके बाद जो पूर्वी मैदान है, अब हम इसका महत्व देखते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इसका किस प्रकार से रोल है या धरातली रूप में इसका किस प्रकार से विशिष्ट योगदान है। तो पूर्वी मैदान का महत्व, मैदान है, मैदानी क्षेत्रों का कृषि के रूप में मुख्य महत्व है। यहाँ आधारभूत संरचना का विकास आसानी से हो जाता है, यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण जो कृषि का है अच्छा उत्पादन होता है, ये इसका महत्व है। इसके साथ ही यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो यहाँ के लघु और कुटीर उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उत्पाद उपलब्ध कराती हैं, इसलिए यहाँ उद्योगों का, लघु और कुटीर उद्योगों का और हस्तशिल्प का विकास होता है। इसके साथ ही ये क्षेत्र नव उद्यानिकी के तहत मुख्य रूप से अनार, अमरूद और सिट्रस फलों के लिए की बागवानी के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। इसी का साथ इस क्षेत्र में पशुपालन होने के लिए ये डेयरी और दुग्ध उत्पादन के लिए इसका विशेष महत्व है। साथ में ये समतल धरातल से युक्त होता है, इस कारण से यहाँ आधारभूत संरचना का विकास करना आसान होता है। इस समय इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में जो जलाशय हैं, जो झीलें हैं और बांध हैं, इन जलाशयों में मत्स्य पालन किया जाता है और इस क्षेत्र में जो सदा नीरा नदियां बहती हैं जैसे माही, चंबल, उन पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से इस क्षेत्र का विशिष्ट सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटक रूप से विशेष महत्व है। तो देख लेते हैं जो मेन मेन बिंदु है। कृषि प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पे जो उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी होने और आर्द्र जलवायु होने, सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने के कारण यहाँ पे रबी और खरीफ फसलों का मुख्य केंद्र है। यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां हैं वो लघु कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में आती हैं। यहाँ जो मुख्य जो वनस्पति है सालार वन जो कि कहाँ मिलते हैं, अलवर में मिलते हैं। फिर सालार वन है, ये फर्नीचर के काम आते हैं, तो इनसे फर्नीचर बनाया जाता है, फर्नीचर का निर्माण। तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों में फर्नीचर निर्माण। इसके साथ ही यहाँ पे जो खस नामक घास पाई जाती है, नामक घास जो कि कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में खस ये एक सुगंधित घास है, तो इसके इत्र और शरबत बनाने के काम में आती है। शरबत बनाने के काम में आती है जो खस घास है। इसके बाद इस क्षेत्र में पशुपालन मुख्य रूप से होता है, पशुपालन के अनुरूप परिस्थितियां हैं। पशुपालन किस लिए किया जाता है, तो दुग्ध उत्पादन हेतु। इसी के साथ दुग्ध उत्पादन से यहाँ डेयरी उद्योग का विकास हुआ है, तो डेयरी उद्योग का विकास इस क्षेत्र में हुआ है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक जलाशय और झीलें होने के कारण प्राकृतिक जलाशय झीलें होने से इस क्षेत्र में क्या है, मत्स्य पालन का क्षेत्र है। साथ ही यहाँ सदा नीरा नदियां बहती हैं, यानी जो हमेशा बहती रहती हैं। सदा नीरा नदियों के कारण यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन होता है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में समतल धरातल के कारण आधारभूत संरचना का विकास आसानी से किया जा सकता है। इस कारण से इस क्षेत्र में परिवहन व संचार के
की अच्छी सुविधा है, परिवहन व संचार सेवाओं की अच्छी सुविधा है। इस कारण से इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी तेजी से हो रहा है और इस क्षेत्र की ऐतिहासिक सांस्कृतिक व भौतिक स्थलाकृतियां करतियां बेहतर परिवहन संचार के साधन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये क्षेत्र पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, तो पर्यटन के लिए भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है, पर्यटन हेतु महत्वपूर्ण। इस प्रकार इस क्षेत्र का इस समय औद्योगिकरण हो रहा है, इस प्रकार ये क्षेत्र राजस्थान में इसका विशिष्ट महत्व है। कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग और लघु व कुटीर उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में और परिवहन और यातायात के और आधारभूत संरचना के विकास के कारण इस क्षेत्र का औद्योगिकरण हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।